ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आज की डेट है 24 मई और यहाँ पर हम 18,350 पे शॉर्ट करके ले गए थे निफ्टी को। हमारी डायरेक्शन में ओपन हो रहा है तो देखेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे। ओके गाइस, तो हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया है मार्केट ओपन होते ही, तो ये 1800 का प्रॉफिट है। एग्जीक्यूटेड में सिर्फ सेल ऑर्डर है। क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं, इसकी पोजीशंस थी हमारे पास, इसको भी स्क्वायर ऑफ करते हैं। ओके, तो क्रूड ऑयल में हमारा 575 का और इसमें निफ्टी फ्यूचर में 1800 करीब का प्रॉफिट हो गया है। तो ओके गाइस, देख सकते हैं हमने प्रॉफिट क्यों बुक किया था। यहाँ पर जो है मोमेंटम आ चुका है, ये देखिए। तो इस तरह से मार्केट रिकवर कर रहा था, यहाँ पॉसिबिलिटी थी रिकवरी की, इसलिए बुक किया गया। अगर नीचे जाने का प्राइस ऑप्शन होता तो हम होल्ड कर लेते, तो वेट करेंगे। अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, अभी देखेंगे। तो ये 1800 का प्रॉफिट है और क्रूड ऑयल में भी हम यहाँ एग्जिट हो गए थे। देखेंगे जिसमें भी ट्रेड मिलेगा हम उसमें ट्रेड करेंगे। ओके गाइस, यहाँ क्रूड ऑयल में कॉल साइड में यहाँ पर कंफर्मेशन हुआ है बाइंग साइड में, तो यहाँ पर हमने यहाँ 6500 का कॉल यहाँ पर बाय किया है। और यहाँ ऑर्डर्स देख लें तो 65 पे हमारा SL है, तो लगभग 400 या 450 रुपये के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। वेट करेंगे, देखते हैं क्रूड ऑयल कैसा मूवमेंट करता है और फिर मैं अपडेट करूँगा इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस। तो ओके गाइस, हमने बाइंग स्विंग मिस किया बट इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग देखते हुए हमने यहाँ पर पोजीशन क्रिएट की है। यहाँ पर फ्यूचर को शॉर्ट किया है 18,381 पे और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस स्विंग का हाई है यहाँ पर। देखते हैं, वेट करते हैं। ओके गाइस, तो टाइम हो रहा है 11:42 और देख सकते हैं हम जो शॉर्टिंग पोजीशन में हैं। यहाँ पर मैं चार्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पर 15 मिनट चार्ट्स में देख सकते हैं किस तरह से पर सेलिंग स्विंग का क्रिएशन हो रहा है। ये सेलर्स टेरिटरी थी जहाँ तक के बायर्स लेके आए थे कंटिन्यूस बाइंग स्विंग में। अब देखना ये पड़ेगा कि यहाँ से किस साइड का मूवमेंट क्रिएट होता है। बाइंग स्विंग के बाद सेलर्स आ गए हैं। ओके, तो मैंने NOFA से शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर एक्चुअल में मेरे पास कुछ होल्डिंग्स भी थी, इसीलिए वो वहाँ पर वैसा दिख रहा था। इसको हटा के दिखा देता हूँ। NFO देखेंगे तो सेल करने के बाद भी दिखाता रहता है वो वहाँ पर, तो अपन सिर्फ अपना जो ऑप्शन है उस पर देखते हैं फोकस। गाइस, कुछ ही देर में प्रॉफिट बुक करने का भी प्लान कर रहे हैं, तो मैं प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर अपडेट भी करूँगा। तो ऑर्डर्स पे चले जाते हैं मार्केट। ओके गाइस, हमने अपना SL जो है 18,375 पे ट्रेल कर दिया है। हम प्रॉफिट अभी भी बुक कर सकते हैं बट यहाँ से और डाउनसाइड के मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है, तो हम ट्रेल करते हुए चल रहे हैं। जैसे ही सपोर्ट एक्टिविटी कंफर्म होगी तो भी हम एग्जिट कर देंगे और अदरवाइज़ हमारा ट्रेलिंग SL चला जाएगा तो भी हम एग्जिट कर देंगे। ट्रेलिंग SL जाने पर हमको सिर्फ 5 पॉइंट मिलेंगे और बट हमें वेट करना होगा ट्रेल करते हुए।
ओके गाइज, अब थोड़ा वेट करेंगे हम कंफर्मेशन के लिए जिस साइड में होगा। अभी हमारा इंट्राडे में 5000 का हो चुका है और क्रूड ऑयल तो मैं देखना ही भूल गया हूँ। ओके, तो क्रूड ऑयल जहाँ का वहीं है, साइडवेज चल रहा है, 330 का लॉस दिखा रहा है यहाँ, तो इसको छोड़ देंगे। ओके गाइज, टाइम हो रहा है 12:20, सॉरी। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर एग्ज़िट ही क्यों किया। तो एक क्राइटेरिया और था मेरा एग्ज़िट करने का, वो मैं यहाँ पर लर्निंग पर्पस के लिए यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, तो मॉर्निंग से देखेंगे तो इस लो से, इस लो से मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग स्विंग को यहाँ पर क्रिएशन किया, यहाँ पर किया। इसके बाद जो हमने 380 पे अप्रॉक्सीमेट, जब हमको इंक्रीज वॉल्यूम में सेलर्स दिखे और कंफर्मेशन हुआ, हमने सेल कर दिया। अब यहाँ पर 38% बनता है फिबोनाची का और यहाँ पर 50% बनता है फिबोनाची का। ओके, तो ये ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली देखते हैं कितना लो यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर मार्केट ने 18340 का, और यहाँ ये वाला ऑर्डर देखिए 18345 पे हमने अगेन फिर यहाँ पर बुकिंग कर ली है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने का मतलब ये है, क्या इससे नीचे मार्केट जा नहीं सकता है? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। बट यहाँ पर जब यहाँ पर बाइंग मेजर ट्रेंड जो है बाइंग चल रहा है यहाँ पर आपका मार्केट में, ठीक है, मेजर ट्रेंड जो है बाइंग के साइड चल रहा है, उसके बाद जो है मार्केट ओपन होते ही कंटिन्यूसली बाइंग स्विंग का स्ट्रॉन्ग क्रिएशन करता है, तो यहाँ पर फिबोनाची लेवल्स को हमको रिस्पेक्ट देना होगा। अच्छा, तो क्या यहाँ पर फिर से एंट्रीज कब बन सकती है? तो देखिए, ये जो फिबोनाची का 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ से अगर फर्दर बाइंग हो करके, बाइंग सस्टेन करके अगर बाइंग में क्लोज होता है तो ठीक है, बट अगर ये लेवल का अगर प्राइस एक्शन बना के अगेन ब्रेक डाउन हो जाता है, तब यहाँ पर एंट्रीज को इस तरह से प्लान करना चाहिए। मैं बता देता हूँ ड्रॉ करके, ये रहा। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ 50% के आसपास पे अभी सपोर्ट ले रहा, मान लीजिए कि कंटिन्यूसली सेल होते अगर आ जाता है, तो इसको सेल होने देना है, कुछ छेड़ना नहीं है। इसके बाद सेल के बाद जब ये अगेन रीटेस्ट के लिए जाएगा इस लेवल के लिए, और इसके बाद जब फर्दर यहाँ से कंटिन्यू करेगा, तो अगर आपको टॉप पे सेल पकड़ना आता है, प्राइस एक्शन आता है, तो आप यहीं एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज इसके नीचे जब यहाँ लाके कैंडल क्लोज कर देगा, तब भी आप यहाँ पर एंट्रीज को ले सकते हैं। ऐसा, इसके नीचे जब क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, तब भी एंट्रीज को क्रिएट किया जा सकता है, फिर SL के हिसाब से 1:2 प्लान किया जा सकता है। बट अभी जो है फिबोनाची लेवल को यहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, और जो जो फैक्टर्स बन रहे हैं उस हिसाब से करना भी चाहिए। तो देखते हैं, अगर बाइंग कंटिन्यू होगा तो बाइंग का एक कन्फर्म जो डे का ट्रेड होता है वो करेंगे, अगर कंटिन्यूस सेल में आ जाता है तो फिर ये ऐसे ही रिटेस्ट के बाद अगर एंट्रीज मिलती है, क्रिएट होती है, तो फिर एंट्रीज को प्लान किया जाएगा। ओके ओके गाइस, यहाँ पर वीडियो को रिम्यूज इसलिए किया गया है कि देखिए कैसे लेवल रिस्पेक्ट होते हैं। ऐसा लेवल जहाँ पर मार्केट इस लो के नीचे क्लोज नहीं करना चाह रहा है, यहाँ से बायर्स होल्ड करना चाह रहे हैं अपने लेवल को, तो यहाँ पर बायर सेलर में फाइट चल रही, तो ये ऐसे लेवल्स होते हैं फिबोनाची के जो 99% टाइम वर्क करते हैं यहाँ पर मार्केट में। तो फिबोनाची को सही तरीके से लगाना सीखिए और इसका यूटिलाइज़ कीजिए। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 1:05 और 1800 की स्टॉप लॉस के साथ एक और ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया है।
ओके गाइस, वीडियो को क्लोज करते हैं यहाँ पर। 24 मई है, 13:50 हो रहा है और आज के दिन 6,300 का प्रॉफिट हुआ है। मुझे कुछ काम है इसीलिए, बाकी अभी ट्रेड अभी पेंडिंग है मार्केट में और भी, तो चलते हैं, मिलते हैं कल, बाय।